डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा का एक महत्वपूर्ण बिंदु के लिए मैट्रिक्स था ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज अवर कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन, यानी प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स स्वयं अपनी लाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। जो मैट्रिक्स की लाक्षणिक समीकरण कल हम पढ़े थे, उसमें जो अभिलाक्षणिक समीकरण प्राप्त हुई थी, वो अभिलाक्षणिक समीकरण मैट्रिक्स ए स्वयं संतुष्ट करती है, ये हम प्रूफ करेंगे। मान लेते हैं हमारा ए कोई एन क्रॉस एन कोटी ई वर्ग मैट्रिक्स है, अभिलाक्षणिक समीकरण के लिए हम याद कर रहे हैं ए माइनस लैम्डा आई, इसके बराबर मान लेते हैं ए जीरो प्लस ए वन लैम्डा, ए टू लैम्डा स्क्वायर, ए थ्री लैम्डा क्यूब, एन कोटि की है तो ए एन लैम्डा की पावर एन क्वेश्चन वन मान लेते हैं। अब हम सीख लेंगे तो हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये जो लाक्षणिक समीकरण है, ये जो लाक्षणिक समीकरण है, इसको ए जीरो ए वन ए ए टू ए स्क्वायर, इसके मूल लैम्डा है, लैम्डा इसे ए संतुष्ट होना चाहिए, ए थ्री ए क्यू प्लस ए एन ए एन इक्वल टू जीरो। हम ये सीख लेंगे कि ये अभिलाक्षणिक जो समीकरण है वो स्वयं मैट्रिक्स भी इसको संतुष्ट करती है। तो क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि कोई मैट्रिक्स है जिसकी कोटि n है तो n घात की अभिलाक्षणिक समीकरण प्राप्त होती है। अगर किसी का हम एडजॉइंट लें, सेट अंदर लें, तो वो इससे एक कम घात की मैट्रिक्स या एक कम घात का बहुपद प्राप्त होता है। तो क्योंकि हम जानते हैं यदि a माइनस लैम्डा आई a माइनस लैम्डा आई लैम्डा में n घात का बहुपद प्राप्त होता है, तो इसका अगर हम सेट अंदर लें ए माइनस लैम्डा आई सेट अंदर मैट्रिक्स है, तो ये लैम्डा में एन माइनस वन घात का बहुपद प्राप्त होगा। सेकंड लेने पर इससे एक कम घात का बहुपद प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं, माना एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई बी जीरो बी वन लैम्डा बी टू लैम्डा स्क्वायर बी एन माइनस वन लैम्डा की पावर एन माइनस वन, पहले एन पावर का था, अब ये इससे एक कम घात का हो गया, लैम्डा की घात एन माइनस वन का एक सौ प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट हम जानते हैं अगर इसको एडजॉइंट ए से, यानी किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मान प्राप्त होता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम इससे एडजॉइंट से गुणा करते हैं तो
ये मान प्राप्त होता है। तो इसी क्रम में ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स को अगर हम एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को प्राप्त होगा ए माइनस लेमडा आई का परिमाण इंटू आई, ये मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी। इसमें मान रख देते हैं ए माइनस लेमडा आई इंटू इसकी वैल्यू यहां से रखते हैं बी जीरो बी वन लेमडा बी टू लेमडा स्क्वायर बी एन माइनस वन लेमडा माइनस वन और इक्वेशन वन से ए जीरो ए वन लेमडा ए टू लेमडा स्क्वायर ए एन लेमडा की पावर एन इंटू आई। दोनों तरफ लैम्डा की पावर की तुलना करते हैं, सबसे पहले लैम्डा की पावर जीरो लैम्डा की घातों की तुलना करने पर लैम्डा की पावर की तुलना करते हैं दोनों तरफ तो ए बी जीरो सोशल मल्टीप्लाई करेंगे ए बी जीरो और बराबर ए जीरो आई। नेक्स्ट है लैम्डा की पावर ए ए बी वन माइनस बी जीरो आगे है ए वन आई थर्ड ए बी टू माइनस बी वन ए टू आई। इसी प्रकार इसका लास्ट पर बी एन माइनस वन ए एन आई। अब इस फर्स्ट स्टेप को हम I से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको A से करते हैं, इसको A स्क्वायर से डैश डैश A N से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर सबको जोड़ने पर अगर इसको हम जोड़ेंगे तो फर्स्ट पर देंगे A B जीरो I A B जीरो A B जीरो को इससे इसमें भी ए बी जीरो आएगा इससे ए कैंसिल हो जाएगा इसमें भी आएगा ए बी वन इससे ए कैंसिल हो जाएगा इससे कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे इधर वाले सारे पद कैंसिल होते जाएंगे तो इधर तो बचेगा जीरो और बराबर में ए जीरो प्लस ए वन ए ए टू ए स्क्वायर सिंकार ए थ्री ए टू ए एन ए की पावर एन और यही अपने को सीन करना है। अतः ए जीरो ए वन ए टू ए स्क्वायर ए थ्री ए टू ए की पावर एन ए एन इक्वल टू जीरो अर्थात कोई भी मैट्रिक्स अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है।